चलते मेरे हिसाब से यार, अगर हम रुके ना और जोर से बारिश हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। फ्रेश पानी माउंटेन से आता है जो, वाह वाह मजा आ जाएगा पीने के लिए। देखो ये रास्ता इतना डेंजरस है, गिर गए तो भाई कुछ नहीं दिखेगा। चलो जी हम लोगों ना हाथ धोना पड़ेगा, पहले ऐसे बोल रहे थे पंडित जी। गाइस फाइनली हम लोग ने यहाँ पर माथा भी टेक लिया। स्नेहा जी देखो कैसे भाग रही है आगे आगे, और मुझे भी रेस लगाना पड़ेगा भाई। लगा लिया मैंने रेस, रुक जा भाई। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ गुणा देवी टेम्पल ट्रैक कर। अभी तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सिस्टर आज मेरे साथ जा रहा है, सिस्टर और एक हरिदाई। तो हम लोग आए थे मैकलोगन से नड्डी और हमें लगे 180 रुपये ऑटो से, और ये जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब मैकलोगन से नड्डी, क्योंकि हम लोग वैसे वॉक करके आना था पर बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए हम ऑटो लेके आए। तो नड्डी का इस साइड है, ये रहा नड्डी, और हम लोग वहाँ से चल चल के आए हैं यहाँ से। ये रास्ता सीधा जाता है, नदी है, उस नदी का नाम बलखड़। जो चलते हैं गाइस, अपने सिस्टर और जो हरिदाई जो आगे आगे चले गए और उनको फटाफट पकड़ लेते हैं। वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर एक बज चुके हैं, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था आज आने का, पर अचानक से प्लान बन गया, क्योंकि मैंने सोचा घर में बैठे बैठे क्या करना है, चलो कहीं जाते घूमने के लिए। वैसे भी थोड़े दिन में मैं काम पर लगने वाला हूँ दोबारा से। ये रहा अपना हरिदाई, और अपने साथ एक और है अपने सिस्टर, इनका नाम है स्नेहा, और हम तीनों जा रहे हैं साथ में ट्रैक करने के लिए। आज खतरनाक ट्रैक रहेगा आज का, हम लोग जा रहे हैं 10 साल के बाद। देखिए गाइज यहाँ से कितना सुंदर गाँव नजर आ रहा है, ये गांव देखिए कितना सुंदर है, गांव का नाम है बल। भाई मजा ही आ गया यार इन हरियाली को देखकर, सिर्फ चिड़िया की आवाज सुनाई पड़ती है यहाँ पर। चलो भाई फटाफट चलना पड़ेगा, लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, ये नदी है जो ऊपर पहाड़ से आता है, ये त्रिवेण पहाड़, और हमको यहाँ से होकर जाना, वहां पुल है, पुल से सीधे चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा वो चोटी में, और चोटी से सीधे कम से कम 2 किलोमीटर का और ट्रैक रहेगा। देखिए नीचे गाइस अभी भी कैंपिंग हो रहा है, वहाँ पर नीचे फुल म्यूजिक बजा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं लोग, नदी के बगल में ही है कैंपिंग। देखो गाइस फुल पावर डांस कर रहे हैं उन लोग। चलो भाइयों तो लेट ना हो जाए, वैसे भी 1:30 इधर ही बज गए। गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर बलखड़ पर, ये पुल है, देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कैफे बने हुए हैं, लोगों ने देखो ना खड़ में टेबल कुर्सी लगा के यहाँ पर सिटिंग प्लेस बना के खाना खा रहे हैं आराम से मजे से। जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, खूब मस्ती ले रहे हैं भाई यहाँ। हमको जाना पड़ेगा यहाँ सीधे चढ़ के, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, कम से कम मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा। चलो चलते हैं, कहाँ चले गए हरी और वो अपनी स्नेहा, कहाँ चले गए, चले तो नहीं गए उन लोग? इन लोग पीछे दुकान में घुसकर चिप्स वगैरह खरीद रहे थे ना, एनर्जी तो चाहिए चढ़ाई चढ़ने के लिए। इस साइड जाना पड़ेगा हरदे, इस यहाँ से सीधा। हरी जी क्या देख रहे हो, आपको तो चढ़ाई तो चढ़ना पड़ेगा भाई, जैसे भी हो, चाहे जमीन में देखो चाहे आसमान में देखो। ये चढ़ाई चढ़ के आए हम लोग यार, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पहले गांव पर। ये रहा घर, 2-4 घर दिख रहे हैं, इसका मतलब हमने आधा ट्रैक तो कंप्लीट कर लिया, मेन चढ़ाई इसके बाद होगा ऊपर जाके। हरी जी और स्नेहा जी पीछे रह गए, मुझसे मुकाबला कर रहे थे इन लोग, इन लोग आगे आगे भाग रहे थे, अब मैं इनको पीछे छोड़ के आ गया हूँ, पर मैं ऊपर जाके इनका वेट करूंगा। वैसे भी अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, अपना हरी भाई और अपना स्नेहा सिस्टर जी आ गए हैं यहाँ पर, और इनका एनर्जी खत्म हो चुका है, तो इसलिए इन लोग देखो चिप्स से अपना एनर्जी बना रहे ताकि चढ़ाई और चढ़ना है ना। ये रहा मेन एंट्रेंस, मतलब यहाँ से मेन टेम्पल का रास्ता स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से खड़ी चढ़ाई है। और आप लोग यहाँ पर पहुंचोगे ना तो यहाँ पर पानी भी है, मुझे तो चिप्स खाकर क्या बोलते प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ। ये रहा पानी का, फ्रेश पानी माउंटेन से आता है जो, वाह वाह मजा आ जाएगा पीने के लिए। पी लिया पानी, चलते हैं अब करते हैं चढ़ाई को स्टार्ट। जी घंटी बजा दो। चलो जी चढ़ाई तो चढ़ लिया, अब उतरा उतरते हैं। अच्छा आगे जाके चढ़ाई है ना। चलो जी देखिए ऐसा रास्ता, इतना डेंजर रास्ता है, देखिए पीछे से पूरा पहाड़ गिर के आए हैं, यहाँ से देखो गिर जाएंगे ना हम लोग भाई, हमारा हड्डी पसली तक नहीं मिलेगा, इतना खतरनाक डेंजर रास्ता है, सीधा उतरा ये, और दूर दूर तक भाई कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसी जगह पर जब आप लोग कभी भी आओगे ना, मतलब ट्रैक करने के लिए, थोड़ा अलर्ट होकर आना, थोड़ा सावधान होकर आना, क्योंकि पहाड़ी एरिया कुछ भी हो सकता है ना, स्पेशली बरसात के महीने में। अभी तो बरसात का महीना नहीं है, बरसात का महीना तो 1-1.5 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। लो जी
पहाड़ी क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये फाइनल एंट्रेंस है। ये जय हो गुणा देवी जी, हम लोग आ रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। जय हो। पानी खा लिया आपने ना? चलो फिर चलते हैं, फिर चलो सिनेह जी चलते हैं। लास्ट रह गया, अब इन्होंने 5 मिनट रेस्ट कर लिया। अब बगल में ही है बस, ये जो थोड़े से 2-4 बंदे खेल रहे हैं वहाँ पर, कूद रहे हैं, उसके ऊपर ही है बस। तो फाइनली पहुँच चुके हम लोग गुणा देवी मंदिर के जस्ट नीचे, और यहाँ से देख सकते हैं गुणा देवी यहाँ से कैसे दिखता है। चलो चलो अगर जाओ। पहुंच गए फाइनली यहाँ पर हम लोग, तो हम सारे ने जूता उतार दिया। चलो चलते हैं अंदर। अब हम लोगों ना हाथ धोना पड़ेगा पहले, ऐसे बोल रहे थे पंडित जी माथा टेकने से पहले, तो अभी हाथ धो रहे हैं हम लोग। फाइनली हम लोग ने यहाँ पर माथा भी टेक लिया, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। और ये इतनी ऊंची जगह पर है ना भाई, यहाँ पर आके ना भाई इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कि सांस इतना फ्रेश, मतलब हवा इतनी फ्रेश आ रही है माउंटेन्स ना, क्या ही बोले यार। हर जी कैसा लगा आपको? बढ़िया। अच्छा अच्छा, एक नंबर। और अपनी बहन ने भी टीका वगैरह लगा लिया अंदर माथा टेक कर। और हमें नड्डी से यहाँ पर आने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का वॉक लगा कंटिन्यूसली हमको आने के लिए। हम लोग कभी बीच में रास्ते रेस्ट भी नहीं किया, इन दोनों ने रेस्ट किया था पर मैंने तो रेस्ट नहीं किया भाई, मैं तो चलते चलते फटाफट आ गया यहाँ पर, 1.5 घंटे में पहुँचे भाई। हम लोग ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब सोच रहे हम लोग चल पड़ते हैं वापस, क्योंकि अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो चुका है, बारिश ना हो जाए। और मैं भी सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर आएँ, कम से कम 1.5 घंटे का ट्रैक है मेन नड्डी चौक से। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी मुझे थोड़ा थकावट फील हो रहा है इसलिए मैं लॉलीपॉप खा रहा हूँ जो घर से लाया था। मुझे एली ने दिया था जो लॉलीपॉप, कल दिया था तो मैंने जेब में डाल के रखा, क्योंकि जब थक जाते ना तो ऐसा थोड़ा कुछ मीठा खाना चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिले इससे। गाइस मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो के थ्रू। जो रास्ता दिख रहा है ना यहाँ पर, थोड़ा मतलब हमेशा आएंगे ना थोड़ा सा अलर्ट हो के आना, थोड़ा सावधान हो के आना, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर मैंने सुना कि यहाँ से एक आर्मी वाले की डेथ हो गई थी यहाँ से गिरकर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि खतरनाक रास्ता है, और उनका यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना के रखा हुआ। ये रहा उनका छोटा सा मंदिर जो उनके नाम पर बना के रखा हुआ यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी पहाड़ों में आए थोड़ा सा सतर्क होकर आए, और बरसात के महीने में, स्पेशली बरसात के महीने में आपको बहुत सेफ होकर आना पड़ता है ऐसे पहाड़ों में। कभी पत्थर आता है ऊपर से, देखो इतने खड़े खड़े पहाड़ है यहाँ पर, पत्थर आता गिर के ऊपर से, देखो रास्ता कितना स्लिपरी है, यहाँ से गिर गए तो भाई रास्ता गिर गए ना आपको मिलेगा यहाँ से कम 200 फुट नीचे गहरा नदी है, नीचे जंगल है। रास्ते पे आओगे ना तो अपने सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। तो हमारे यहाँ पर बहना और भाई भी मेरी बातें सुन के बैठे हुए यहाँ पर, शायद इनको बहुत बोर हो रहा होगा मेरे बात सुनकर। बोर तो नहीं हो रहा ना? नहीं। आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, ये रास्ता देखो, ये रास्ता इतना डेंजरस है, गिर गए तो भाई कुछ नहीं दिखेगा भाई, वो नीचे जंगल पहुंच जाओगे आप नाले में। तो ऐसी जगह पर जब आप कभी भी आओगे ना, प्लीज अपने सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। हम लोग जैसे यहाँ पर पहुँचने लगे यहाँ पर नदी के पास, और वैसे ही भाई मौसम ख़राब हो गया और बूंदा बूंदी शुरू हो गई यहाँ पर। वो हरी जी नीचे पहुँच गए, और स्नेह जी देखो कैसे भाग रही आगे आगे, और मुझे भी रेस लगाना पड़ेगा भाई, लगा लिया मैंने रेस। रुक जा भाई देखो मैंने छू लिया इनको। हम लोग यहाँ पहुँचे ना पुल के पास, बरसात शुरू हो गई भाई, तो हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, चाय का ऑर्डर किया 2 कप चाय, क्योंकि अपने सिस्टर तो पीती नहीं चाय, तो हरी जी और मैं हम दोनों चाय पियेंगे यहाँ पर। ऐसे भी कैश नहीं है हमारे पास, गूगल पे चल पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल तो आ रहा है। ये रहा अपना चाय, लगता गाय का दूध का बनाया चाय, चाय का कलर बिल्कुल अलग है। हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है भाई नदी के पास बैठकर चाय पीना भाई, नेक्स्ट लेवल का भाई एंजॉयमेंट है। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। अभी यार हम लोग यहाँ पर रुक गए यार, बारिश बहुत जोर से हो रही है यार, देखो ये मंदिर ने हमको रोक लिया यार। चलो भाई कैसे बैठे हैं भीगी बिल्ली की तरह, क्या करें यार, बारिश बहुत हो रही है। यहाँ पर सहारा मिल गया थोड़ा सा, पर ये शर्ट भी कितने देर तक बचाएगा, गीला तो कर ही देंगे यार।
चलते मेरे हिसाब से यार, अगर हम लोग रुके ना और जोर से बारिश हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो चलते हैं भाई, बारिश से भीगना भी जरूरी है। देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई यार, फिर से हमको रुकना पड़ा यहाँ पर इस लेंटर के नीचे। गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं अब नड्डी के पास में। देख सकते पीछे का व्यू इतना खतरनाक भाई। अभी बारिश पड़ने के बाद पूरा जितने भी बादल थे उड़ गए हैं। अब सामने देखो व्यू कितना प्यारा नज़र आ रहा है, और वो है बलगांव। हम लोग गुना देवी, वो जो पहाड़ दिख रहा उसी के पीछे वहीं से होके आए थे यहाँ से, और यहाँ से होके आए। बारिश भी रुक चुकी है और चलते हैं फटाफट। तो गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ मेन चौक पर। यहाँ तो बहुत भीड़ है यार भाई, हम लोग गुना देवी जाके आए ना, यहाँ पर इतनी भीड़ है, नहीं अजीब ही लग रहा है यार। यहाँ पर इतने क्राउड है और वहाँ पर इतनी शांति है यार। चलो अब चलते घर की ओर सीधा यार, चाय वाय पीते घर जाके आराम से। लोग घर पर पहुँच चुके हैं, अभी बस चाय चुई पी के बैठा हूँ बस। मेरे को ऑप्शन में रखा, पता कहाँ पर पहुँचा हूँ मैं, अली घर में पहुँचा हूँ अभी, अली से मिलने के लिए, अली और जोशवा से मिलने के लिए। और जोशवा रो रहा है, जोशवा बाहर गया अभी, पापा उसके घुमा रहे जोशवा को बाहर, क्योंकि कमरे के अंदर रह के बैंड बज जाता है उसका भी, बोर हो जाता है वो ना। तो मैं सोच रहा हूँ आज का वीडियो यहीं पर एंड कर दो, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, आपको वीडियो कैसी लगी बता देना मुझे कमेंट करके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग पर, बाय करते। देखो अपने ये योद्धा वगैरह है, इनको मैं दौड़ा दौड़ा के लाया, दौड़ा दौड़ा के लेके आया वापस।